नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाई में ऐसा खास क्या है, ये क्यों एक इतना बड़ा सक्सेस हो सकता है। आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि इस पाई में ऐसा खास क्या है। हमारे पास पहले से ही इतने बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, तो पाई कहाँ स्टैंड करता है? बिटकॉइन और इथीरियम जैसे इतने बड़े बड़े कॉइन में ऐसी क्या कमी है जो पाई को आना पड़ा? तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो बात करते हैं बिटकॉइन और इथीरियम की। इनकी जो माइनिंग है वो एक कंसेंसस एल्गोरिथम के जरिए होती है, और उस एल्गोरिथम का नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। और जो ये प्रूफ ऑफ वर्क है, ये डिपेंड करता है लार्ज कंप्यूटेशनल पावर के ऊपर। जितनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर, उतनी ज्यादा आपकी माइनिंग की स्पीड। अब बात करते हैं इसकी कमियों की। पहली बात तो, इतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर के लिए हमको लार्ज हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, बहुत बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो आम आदमी की पहुंच से तो बाहर ही है माइनिंग करना। दूसरा देखा जाए तो इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत स्लो होती है। अगर आप में से कोई बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन करता है तो उन्हें पता ही होगा कि बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करने में कुछ टाइम लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो एक आधा घंटा तो लग ही जाता है। और अगर ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ानी है तो हमें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। और जो तीसरी मेन प्रॉब्लम है वो है कि ये एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है। अगर पिछले कुछ सालों का डाटा देखा जाए तो बिटकॉइन माइनिंग में 3 से 25 टन कार्बन एमिट किया है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक खतरे की घंटी है। अब इन कमियों को पूरा करने के लिए और भी बहुत क्वाइन आए। उनमें से एक था रिपल और दूसरा था स्टेलर, जिसे ल्यूमन भी कहा जाता है। और रिपल के को फाउंडर ने ही स्टेलर को बनाया है। इनका फायदा यह था कि जो इनकी कंसेंसस एल्गोरिथम है वो बिटकॉइन और इथेरियम से डिफरेंट थी। अब बात करते हैं कि रिपल और स्टेलर के एल्गोरिथम्स की क्या क्या बेनिफिट थे। पहली बात तो फास्ट ट्रांजेक्शन, और दूसरा लो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। रिपल और स्टेलर के कॉइन्स पहले से ही प्री माइंड है, इसलिए माइनिंग करने में कोई ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। अब बात करते हैं कि रिपल और स्टेलर में क्या डिफरेंस है। इनका मेन डिफरेंस इनकी टारगेट ऑडियंस में है। रिपल का मेन फोकस लार्ज बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस में है, ताकि वो इजीली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकें बहुत ही फास्ट और कम से कम कॉस्ट में। और स्टेलर का मेन फोकस था कि एक पेमेंट प्लेटफॉर्म देना डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ताकि वो इजीली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर पाए। अब बात करते हैं कि इनमें क्या ऐसी कमी रह गई जो पाई को आना पड़ा। अगर आप थोड़ा बहुत क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानते हैं, तो क्रिप्टोकरेंसी का मेन मोटिव होता है कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन स्टेलर और रिपल में सिर्फ फ्यू प्राइवेट नोड्स ही थे, जिसकी वजह से ये एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क नहीं है, और इसकी ऑडियंस भी लिमिटेड है। अब इसके बाद आया पाई नेटवर्क। इसने उन दोनों टाइप की क्रिप्टोकरेंसीज की लिमिटेशन देखी। जैसे बिटकॉइन और इथेरियम था, उसका जो एल्गोरिथम था वो अच्छा नहीं था, और जो स्टेलर और रिपल था, इसकी जो नोड्स थे वो प्राइवेट थे, पब्लिक नहीं थे, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था। तो पाई नेटवर्क क्या लेके आया? पहली बात तो इसने स्टेलर से उसका एल्गोरिथम उठाया, जो जिसका नाम स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल है। और दूसरा जो उसमें कमी थी कि नोड्स उसमें प्राइवेट थे, तो पाई नेटवर्क पब्लिक नोड्स लेके आया, ताकि ये एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बन सके। और पाई नेटवर्क का जो मेन ऑडियंस है वो है आम जनता, ताकि आम लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकें इजीली। तो क्या बस यही खास है पाई नेटवर्क में? जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो होती है। उनकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन पाई नेटवर्क इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग इंट्रिंसिक वैल्यू बाय बैकिंग अप इट विद फिजिकल असेट्स एंड सर्विसेज। मतलब कि पाई नेटवर्क फोकस कर रहा है इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू बनाने में बाय बैकिंग अप इट विद अदर गुड्स और सर्विसेज के साथ। अब सवाल ये है कि पाई नेटवर्क इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे बिल्ड करेगा? इसका जवाब है बाय मेकिंग एन ऐप स्टोर, एक ऐप स्टोर बनाकर, जहां पर हम पाई के साथ कुछ भी खरीद या बेच पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पाई नेटवर्क टेस्टिंग फेज में चल रहा है, मतलब कि फेज 2 में चल रहा है, जहां पर इसका मेन फोकस नोड्स के डिप्लॉयमेंट में है, ताकि एक फुली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बन सके, और दूसरा एक ऐप स्टोर बिल्ड करने में है, जो शायद इस साल के एंड तक बन जाएगा। और दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोज में कहा है कि ये अभी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। जो भी जहां पर भी जिस भी एक्सचेंज में पाई शो हो रहा है वो फेक लिस्टेड है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि ये क्वाइन जैको में लिस्टेड है। क्वाइन जैको एक साइट है जो एक डाटा प्रोवाइड करती है कि कौन सा क्वाइन कहां लिस्टेड है।
तो क्योंकि पाई और किसी एक्सचेंजेस में जैसे SUBT हो गया वहां पर फेक लिस्टेड है, इसलिए वो कॉइन जैको में शो हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, पाई अभी कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, ये थर्ड फेज में जाकर एक्सचेंज में लिस्ट होगा। तब तक दोस्तों जितना हो सके माइन करो, जितना हो सके पाई कलेक्ट करो। अगर ये सक्सेस हो गया तो हम सबकी लाइफ बदल देगा। ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल ना गवाएं। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार है। तो दोस्तों अगर मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, उससे मुझे भी फायदा होगा, हो सकता है कोई मेरी वीडियो देखेगा तो उसे भी फायदा हो जाए। तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी ये वीडियो देखने के लिए।